चलिए फटाफट से देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ एस्टेब्लिश किया गया था और कब। तो इसका आंसर है कैलकटा 1774। रेगुलेटिंग एक्ट 1774 का जो एक्ट था, 1773 का जो एक्ट था वो था इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंडिया में विदेशियों का कुछ ज्यादा नौटंकी स्टार्ट हो गया था, तो इस चीज को रेगुलेट करने के लिए कि वहां चल क्या रहा है एक एक्ट लाया गया था 1773 में। और उसके तहत जो सबसे पहला काम हुआ था वो ये कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट को स्टेब्लिश कर दिया गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, विच एक्ट इंटाइटल्ड इंडिया टू बी अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या है कि चार्टर एक्ट 1833 के तहत एक इंपॉर्टेंट काम जो ये हुआ था कि गवर्नर गवर्नर ऑफ बंगाल को थोड़ी सी और पावर दे दी गई थी और इसको बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, इसको बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और उसी के तहत जो है इंडियंस को भी एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट लेने की एक छूट दे दी गई कि हाँ भैया अब आप एडमिनिस्ट्रेशन में आप भी हिस्सा बन सकते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। और इससे आप ये भी कह सकते हैं कि जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि इससे पहले तो सिर्फ गवर्नर हुआ करता था, तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बन गया 1833 एक्ट के बाद, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना बन गए, रातों रात बन गए, मतलब रात में तो ये गवर्नर ऑफ बंगाल थे और जैसे ही ये एक्ट आया वो बन गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि उस समय वही वहां पर ऑफिस में थे। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है कि विच एक्ट अलाउड लेजिस्लेटिव काउंसिल टू डिस्कस बजट, बजट डिस्कस करने के लिए कौन सा एक्ट आया था, तो ये एक्ट आया था इंडियन काउंसिल एक्ट। कौन सा एक्ट आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अगला क्वेश्चन है विच मेड इंडियन लेजिस्लेशन बाई कैमरल, बाई कैमरल किस एक्ट के तहत बनाया गया इंडियन लेजिस्लेशन को, तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 से ही याद आता है कि 1919 से ही एक चीज और याद आता है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताइए, रॉलेट एक्ट। 1919 से ही याद आता है रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। और 1919 से एक और चीज याद आता है रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग। और एक तो आपने भी पढ़ ही लिया क्या, इंडिया इंडियन काउंस सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक। ये तीन चीज है जो 1919 में इंपॉर्टेंट हुई थी, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग का तो एग्जैक्ट डेट ही बताना चाहिए, 13 अप्रैल 1919। और तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके बाद आता है क्वेश्चन, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस वाज ओरिजिनली इंस्पायर्ड फ्रॉम विच एक्ट, तो ये आंसर है इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट इसलिए भी है क्योंकि साइमन कमीशन का रिपोर्ट जो आया था उसी को मॉडिफाई करके ये एक्ट बनाया गया था, इसमें ही कुछ पॉइंट्स एड अप किए गए थे, कुछ पॉइंट्स हटाए गए थे और उसको 1935 में दे दिया गया था। और यही जो है वो मेजर सोर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, 85% कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा यहीं से बना है। अब सोचिए 15% कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो है इंडिया को 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए, मात्र 15%। ये 85% ट्रेजिटीज यहाँ से छाप दिया गया 1935 में से, इसके रिपोर्ट में से, ठीक। अच्छा अब है कि डायरकी सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, तो डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, कब कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि विच एक्ट प्रपोज द प्रोविजन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, ब्रिटिश एरा के टाइम में कौन सा एक्ट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट लाया था, फेडरल गवर्नमेंट मतलब, फेडरल मतलब ड्यूअल सिस्टम मतलब स्टेट और सेंटर, फेडरल मतलब कि पावर्स को बांट देना, फेडरल मतलब क्या होता है पावर्स को बांट देना, टू टायर या थ्री टायर में उसको डिवाइड कर देना, इसको बोलते हैं फेडरल, फेडरलिज्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच एक्ट प्रोविजन द एस्टेब्लिशमेंट ऑन ऑन एन ऑल इंडिया फेडरेशन, तो ये कौन सा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एज पर बताया ना, फेडरल मतलब फेडरेशन मतलब डिवीजन ऑफ पावर एज पर सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है। ये कब हुआ था, 1935 के एक्ट में, कब हुआ था, 1935 के एक्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्रपोज्ड बाय क्रिप्स मिशन, ये जो क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन के आने के बाद, क्रिप्स मिशन के आने के बाद ही जो ड्राफ्टर ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रपोज किया गया इंडिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, क्रिप्स मिशन, और ये क्रिप्स मिशन
के आने के बाद हुआ था। अगला है कि कैबिनेट मिशन 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पहली बार ऑर्गेनाइज कब किया गया, तो ये किया गया 1946 में कैबिनेट मिशन आने के बाद, कैबिनेट मिशन आने के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आने के बाद। तो ये लाइन से देखिए सारा टेबल बना हुआ है। 73 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 में चार्टर एक्ट की शुरुआत हुई थी, फिर लगातार 20-20 साल के अंतर पर चार चार्टर एक्ट आया था, 33 में और फिर इसके बाद 1858 में पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिससे गवर्नर जनरल को अब बना दिया गया था वायसराय, ये 1858 में। उसके बाद 61 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया, 92 में काउंसिल एक्ट आया, 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट जिसको मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, मुस्लिमों के लिए अलग। तो ये इसके बाद 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, ठीक है। टेबल है एक सीक्वेंस वाइज, इसको याद करना जरूरी है। अब आते हैं एज पर कैबिनेट मिशन इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम प्रोविंसेस वाज मेड ऑन बेसिस ऑफ, जो कैबिनेट मिशन का प्लान था उसमें जो है रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने के लिए क्या बेसिस बनाया गया था, तो ये था 1 रिप्रेजेंटेटिव पर 10 लाख पॉपुलेशन, मतलब 10 लाख पॉपुलेशन पे एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड, जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी 19 दिसंबर 1946 को, पहली मीटिंग कब हुई थी 19 दिसंबर 1946 को। अच्छा, इसमें जो बी एन राव सर थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या थे वो, ये थे, क्या कहते हैं उसको, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, ठीक है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन क्या है कि इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज डन बाय स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस, इसका आंसर क्या होगा, स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस। जो मेंबर्स थे उनके इलेक्शन के लिए क्या, मतलब कहां से उनको लेना था, तो वो था स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस। अब आगे चलते हैं, हु वाज इलेक्टेड एज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसके परमानेंट चेयरमैन कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन बनाने का पर्पस क्या था, जो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था उसी को रिव्यू करने के लिए, और सबसे खास बात क्या था कि इस रिव्यू में कोई इंडियन नहीं था, मतलब इंडिया में कैसे काम चल रहा है इस चीज का रिव्यू कौन करेगा, जो जितने मेंबर थे 7 या 8 मेंबर थे वो सारे ब्रिटिशर्स थे। तो इसी पे बहुत बवाल भी हुआ था जिसपे काफी आंदोलन वगैरह अपोज हुआ था इस साइमन।